मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य परशुराम चतुर्वेदी का बक्सर में आक्रोश मार्च के दौरान सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर हमले और इसमें आरोपित भीम आर्मी के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए आयोजित आक्रोश मार्च में शामिल थे। बक्सर के भगत सिंह पार्क में प्रवेश करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़े। वहीं चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रो पड़े। हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद कार्यकर्ता परशुराम चतुर्वेदी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सकी। एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परशुराम चतुर्वेदी विगत विधानसभा चुनाव में बक्सर सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों चौसा में किसानों पर ज्यादती के आरोप में अम्बेडकर चौक पर मौन व्रत पर बैठे केंद्रीय मंत्री पर भीम आर्मी के नेताओं ने हमले की कोशिश की थी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौबे को परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर मिली। इसके बाद वो प्रेस सम्मेलन में ही फूट फूट कर रोने लगे। कहा कि चतुर्वेदी 4 दिन से मेरे साथ थे। उन्होंने चतुर्वेदी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया।